हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका और इस वीडियो में आप जानेंगे एरिया ऑफ रोम्बस के बारे में। एरिया ऑफ रोम्बस के बारे में बात करने से पहले सबसे पहले हम रोम्बस के बारे में जान लेते हैं। रोम्बस एक क्वाड्रिलेटरल होता है, यानी कि इसकी चार साइड्स होती हैं। यहाँ से देखें, ए बी, बी सी, सी डी, डी ए। चारों साइड्स रोम्बस में इक्वल होती हैं, यानी कि इनकी लेंथ इक्वल होती है। यहाँ पर अगर देखें, ए बी बी सी के इक्वल होगी, बी सी सी डी के इक्वल होगी और सी डी डी ए के इक्वल होगी, यानी कि चारों की चारों साइड्स लेंथ में इक्वल होती हैं। देन हम बात करते हैं डायगनल्स की। डायगनल्स बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि यहाँ पर अगर आप देखें, बी डी और ए सी, ये दो डायगनल्स हैं, ये बाइसेक्ट ईच अदर, यानी कि टू इक्वल पार्ट्स में ये डिवाइड करेंगे। यहाँ पर देखें, जब बाइसेक्ट करते हैं तो ये जो साइड है डी ई और ई बी, ये दोनों इक्वल होंगे और ए ई ई सी इक्वल होंगे। देन इसके बाद बात करते हैं डायगनल्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यानी कि जब ये बाइसेक्ट करते हैं और जिस पॉइंट पे करते हैं यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो चलिए अब हम इसके एरिया की बात करते हैं। एरिया की अगर बात करें तो इसके लिए हम दो मेथड देखते हैं, फर्स्ट और सेकेंड। फर्स्ट मेथड जो होती है वो डायगनल्स पर बेस्ड होती है और सेकेंड बेस और हाइट या फिर एल्टीट्यूड। तो चलिए सबसे पहले हम दोनों मेथड के फॉर्मूले लिखते हैं। फर्स्ट मेथड में बात करें हम, तो ये डायगनल्स पर बेस्ड होती है, यानी कि अगर आपको रोम्बस के डायगनल्स की वैल्यू पता हो तो आप इसका एरिया फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर इस डायग्राम में आप देखें तो आपके पास दो डायगनल हैं, एक है बी डी, एक है ए सी। यहाँ पर हम इनको नाम दे देते हैं डी वन एंड डी टू, यानी कि अगर आपके पास डायगनल हो तब आप इसका एरिया फाइंड कर सकते हैं। इसके लिए हम फॉर्मूला लिखते हैं। यहाँ पर आप देखें तो डी वन मल्टीप्लाइड बाय डी टू ओवर टू, या फिर वन ओवर टू डी वन मल्टीप्लाइड बाय डी टू। तो इस फॉर्मूले से आप रोम्बस का एरिया फाइंड कर सकते हैं, यानी कि अगर आपके पास आपके डायगनल्स गिवन हो तो आप इसका एरिया फाइंड कर सकते हैं। अब हम सेकेंड मेथड देखते हैं। रोम्बस का एरिया फाइंड करने के लिए अगर हमारे पास बेस और हाइट दी हो, हाइट को आप एल्टीट्यूड भी बोल सकते हैं, दोनों वर्ड्स में से कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास बेस या फिर हाइट इन दोनों चीज़ें हों तब भी आप रोम्बस का एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरह से दो मेथड हैं जिनसे आप रोम्बस का एरिया फाइंड कर सकते हैं। अब हम इसके लिए एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक एग्जाम्पल है, कैलकुलेट एरिया ऑफ रोम्बस हैविंग डायगनल्स 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। तो चलिए यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको गिवन है 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर के डायगनल्स। तो चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन में, जब भी हम सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले हम लिखते हैं कि जो भी हमको क्वेश्चन में गिवन होता है हम उसको लिखते हैं। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन में जो भी हमको गिवन है वो लिखते हैं। अब यहाँ पर आप देखें तो हमको क्वेश्चन में गिवन है दो डायगनल्स 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर के। तो यहाँ पर हमने लिखा फर्स्ट डायगनल D1 8 सेंटीमीटर, सेकंड डायगनल D2 6 सेंटीमीटर। अब जब भी हम रोम्बस का एरिया फाइंड करते हैं तो हमारे पास दो मेथड होती है, या तो हम डायगनल्स से फाइंड कर सकते हैं इसका एरिया, या फिर बेस और हाइट से। यहाँ पर क्वेश्चन में हमको डायगनल्स गिवन है, यानी कि यहाँ पर हम मेथड वन, यानी कि डायगनल्स पर बेस्ड फॉर्मूले से रोम्बस का एरिया फाइंड करेंगे। यहाँ पर हमने एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला लिख लिया है जो कि डायगनल्स पर बेस्ड है, डी वन मल्टीप्लाइड बाई डी टू ओवर टू। अब हम जो डायगनल्स की वैल्यू हमको क्वेश्चन में गिवन है हम उसको पुटअप करते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आप देखें हमने डायगनल्स की वैल्यू को यहाँ पर पुटअप कर दिया है। यहाँ पर फर्स्ट डायगनल हमारा 8 सेंटीमीटर था, सेकंड डायगनल हमारा 6 सेंटीमीटर था, इनका मल्टीप्लाई किया, 8 मल्टीप्लाई किया हमने 6 से तो 48 आया, ओवर 2 था, ओवर 2 लिखा, देन 2 से 48 में डिवाइड किया तो ये आ गया 24, और क्योंकि यहाँ पर जो यूनिट है वो है सेंटीमीटर, इसीलिए सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये एरिया है। अब हम इसके लिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर आप देखें तो हमारा जो एग्जाम्पल है उसमें हमको फाइंड करना है एरिया ऑफ रोम्बस हैविंग बेस 10 सेंटीमीटर एंड हाइट 3 सेंटीमीटर।
तो यहाँ पर जो भी हमको क्वेश्चन में गिवन है, सबसे पहले हमने उसको लिख लिया है, बेस ऑफ रोम्बस 10 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ रोम्बस 3 सेंटीमीटर, और हमको फाइंड करना है एरिया। तो यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर हमारी सेकंड मेथड अप्लाई होगी, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमको बेस और हाइट गिवन है। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले हम एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला लिखते हैं। यहाँ पर हमने एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला लिख लिया है, यहाँ पर हमने बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट सेकंड फॉर्मूला लिखा हुआ है, क्योंकि क्वेश्चन में हमको बेस और हाइट गिवन है। अगर यहाँ पर हमको डायगनल्स गिवन होते तब हम फर्स्ट मेथड का यूज़ करते, क्योंकि डायगनल से भी हम एरिया को फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पर बेस और हाइट की वैल्यूज को हम पुट अप करेंगे, इससे हमको रोम्बस का एरिया मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप देखें, तो हमारा बेस था 10, तो हमने पुट अप किया 10, हाइट 3, इनका मल्टीप्लाई किया तो आया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से आप रोम्बस का एरिया दो तरह से फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चन में डायगनल्स गिवन हो तो आप डायगनल्स से भी आप एरिया फाइंड कर सकते हैं रोम्बस का, और बेस और हाइट गिवन हो उससे भी आप रोम्बस का एरिया फाइंड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करें। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।